राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस एक्शन में है। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन का दौर जारी है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता, सरकार और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब एकजुट विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्ताव कांग्रेस सांसदों की एक बैठक में रखा गया। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक का आयोजन किया था। सूत्रों की माने तो 3 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के और सदन में पक्षपात का आरोप लगा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। विपक्षी दलों के पास स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी संख्या बल तो है, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि सदन की कार्रवाई चले, और मौजूदा हालात में लोकसभा की कार्रवाई चलेगी इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि अब निगाह 2024 के लोकसभा चुनाव पर नहीं, बल्कि उससे पहले देश में लोकतंत्र बचाना है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई और ये कदम पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेसी लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अदानी मुद्दे पर संसद में उनके अगले भाषण से डर गई थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का फैसला नियमानुसार है और फैसले पर सवाल उठाना संविधान को निशाना बनाने जैसा है। आपको बता दें कि मानहानि केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उधर जयराम रमेश का दावा है कि शिवसेना समेत 19 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएगी। अगले 30 दिन को लेकर त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। ये ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्यों के स्तर पर होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन भी किया जाएगा। ये अगले 30 दिनों में हमारे संगठन की ओर से आप देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता सभी इस सत्याग्रह में भाग लेंगे। ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्य के स्तर पर होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा।